चलिए फटाफट से रिव्यू करके आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ बॉक्स के अंदर आपको मिलता है, क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है ज़ेनफोन 4 सेल्फी इस मोबाइल में। तो पहला जो हमारा मेन मोबाइल है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मेन सेट है। इसे हम साइड में रख देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ और कुछ इसमें मिलता है। एक सिम इजेक्टर टूल है जिससे आप सिम ट्रे निकाल सकते हैं, और कुछ पेपर वर्क्स भी हैं यहाँ पे, वारंटी कार्ड्स और ईएमआई नंबर्स वगैरह भी यहाँ पे दिए गए हैं। और मुझे लग रहा है कि बेसिक सा एक केबल होगा और एक चार्जर होगा। हेडफोन्स आसुस के फ़ोन में नहीं आते। जी हाँ, यहाँ पे एक यूएसबी केबल है, डाटा सिंक वगैरह आप कर सकते हैं, और चार्जिंग भी आपको इसी से करनी पड़ेगी। बेसिकली देखा जाए तो एक नॉर्मल सा केबल है जिससे आप गाने वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंप्यूटर में। चार्जर की बात करें तो इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, नॉर्मल चार्जर है। इसे चार्ज करने में लगभग अराउंड 2 घंटे से थोड़ा सा कम वक्त लगता है फुल चार्ज होने में। और बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो बैटरी बैकअप भी ठीक है, और इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे अच्छे से। फुल वीडियो में बनाऊंगा, बैटरी और परफॉर्मेंस, गेमिंग रिव्यू, कैमरा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा उस वीडियो में। अभी मैं आपको छोटा सा डिटेलिंग दे देता हूँ उसके कैमरे के बारे में कि कैमरा किस तरह से। 2 कैमरा दिया गया है फ्रंट की तरफ में, एक है 8 मेगापिक्सल का और दूसरा है 20 मेगापिक्सल का। 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा यहाँ पे दिया गया है उसकी तरफ से, वो वाइड एंगल सेल्फी के लिए है, और जो दूसरा कैमरा 20 मेगापिक्सल का है वो आपको दिया गया है मेन सेल्फी के लिए, जिससे आप सेल्फी वगैरह खींच सकते हैं। और ऊपर की तरफ एक फ्लैश लाइट भी दिया गया है जिससे आप अंधेरे में भी सेल्फी ले सकते हैं। आसुस ने कहा ये सेल्फी फ़ोन है जिससे आप सेल्फी वगैरह अच्छे खींच सकते हैं। और अगर हम बैक कैमरा की बात करें तो बैक कैमरा जो इसमें दिया गया है वो 16 मेगापिक्सल का रियर शूटर है और एक ड्यूल LED लाइट के साथ इसमें दिया गया। कुछ फ़ोन के डाउन पोर्शन में आपको यहाँ पे मिलता है एक स्पीकर, USB पोर्ट और एक एक्स्ट्रा माइक जिससे आप कॉलिंग वगैरह भी रिसीव कर सकते हैं। और ऊपर की तरह अगर हम बात करें तो एक ऑडियो जैक मिलता है जिसमें आप गाने वगैरह सुन सकते हैं, और एक्स्ट्रा माइक। और अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिलता है जिसमें आप सिम वगैरह चिप वगैरह लगा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप इसमें 2 सिम और एक SD कार्ड लगा सकते हैं। और राइट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक पावर बटन मिलता है और 2 वॉल्यूम रॉकर मिलता है जिससे आप वॉल्यूम को इनक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इसमें जो प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है वो क्वालकॉम का क्वाड कोर स्नैपड्रैगन 430 का प्रोसेसर है। साथ ही साथ आपको 4GB का रैम मिलता है, 64GB का इंटरनल स्पेस मिलता है, 2TB तक आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और एक आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कैमरा जो है बैक साइड का वो 16 मेगापिक्सल का मिलता है, और फ्रंट कैमरा जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है 20 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा। पहला जो कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का मिलेगा वाइड एंगल सेल्फी लेने के लिए, और जो दूसरा कैमरा है वो आपको मिल जाता है 20 मेगापिक्सल का जिससे आप सेल्फी वगैरह भी खींच सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट से एक डेमो दे देता हूँ कि इसका बैक साइड का जो कैमरा है किस तरह से काम करता है। काफ़ी कुछ ऑप्शन दिया गया है और वो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगा, और फुल रिव्यू होगा वो बेसिकली सिर्फ इसके बैक साइड कैमरे के बारे में और सेल्फी के कैमरे के बारे में, जिससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। और मैं आपको अभी एक छोटा सा इसके फ्रंट कैमरे के बारे में भी बता दूंगा कि इसका जो कैमरा है फ्रंट कैमरा किस तरह से काम करता है। तो ये एक सेल्फी है जिससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि जो 20 मेगापिक्सल का जो कैमरा दिया गया है इसमें वो किस तरह से काम करता है। तो देखा जाए तो दोस्तों उसका कैमरा जो है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो दिया गया सेल्फी के लिए वो अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन फ़ोटो वगैरह अच्छा आता है। दिन के लाइटिंग में इसमें जो फ़ोटो वगैरह जो सेल्फी अगर हम खींचते हैं तो काफ़ी अच्छा आता है, बट रात में उतना अच्छा नहीं आता। बट फिर भी मैं आपको एक डिटेलिंग में वीडियो बनाकर दे दूँगा, आपको खुद से अंदाज़ा हो जाएगा जो इसका कैमरा जो किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ नीचे एक बटन दिया गया रेड कलर का, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस को आप आराम से पा सकें। और बस इतना ही इस वीडियो में, और फिर मिलते हैं दोबारा से। थैंक यू सो मच।